23 से 25 मार्च तक सिर्फ पीने का पानी, 70 दिन की नहरबंदी 25 से। इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर से नहीं मिलेगा सिंचाई पानी। राजस्थान में इंदिरा गांधी फीडर यानी कि पंजाब भाग व राजस्थान भाग व इंदिरा गांधी मुख्य नहर में रीलाइनिंग कार्य करवाए जाने हेतु 25 मार्च से 2 जून 2020 तक 70 दिवस की नहरबंदी होगी, जिसके लिए पंजाब ने सहमति प्रदान कर दी है। जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ संगम के मुख्य अभियंता ने बताया कि इस दौरान 23 से 25 मार्च 2020 को नहरों में पूर्ण क्षमता से पीने हेतु पानी प्रवाहित होगा। सभी काश्तकारों, जनसाधारण एवं सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि नहरबंदी के मद्देनजर पीने एवं अन्य कार्य हेतु पानी का समुचित भंडारण कर लें। 26 मार्च 2020 से 3 मई 2020 तक इंदिरा गांधी फीडर एवं इंदिरा गांधी मुख्य नहर में आंशिक नहरबंदी होगी, जिसमें नहरों में आवश्यकता अनुसार सिर्फ पीने हेतु पानी प्रवाहित किया जाएगा एवं नहरों को वरीयता आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। विभाग ने कहा है कि 4 मई से 2 जून तक पूर्ण नहरबंदी रहेगी, जिसमें इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की समस्त नहरें बंद रहेगी और इसके लिए समस्त स्थानीय पानी के स्रोत, विभागीय पेयजल स्रोत यथा डिग्गी, टांके इत्यादि में भंडारण सुनिश्चित किया जा सकेगा। सभी काश्तकारों को यह भी सूचित किया गया है कि 23 मार्च से 3 मई तक नहरों में केवल पीने हेतु ही पानी चलाया जाए और इस दौरान सिंचाई हेतु पानी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।